All right, hi everyone, welcome on board. How to start preparing for CAT 2024? एक साल के अंदर CAT की preparation कैसे करनी उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है? अच्छा भाई देखो, जो तो कॉलेज में हो और जो लोग वर्क एक्सपीरियंस, हाँ भाई पोल के अंदर आंसर करो भाई फटाफट, कौन लोग कॉलेज के अंदर जिस टाइप इन कॉलेज और जो लोग वर्क एक्सपीरियंस चल रहा है जिस टाइप इन वर्क वर्क प्रोफाइल के अंदर 10th 12th और ग्रेजुएशन के नंबर काउंट होते हैं, सुनते जाइए जरा, 10th 12th और ग्रेजुएशन के नंबर काउंट होते हैं। सर बेस्ट कॉलेजेस फॉर नो वर्क एक्सपीरियंस, अरे तेरे लिए ये सेशन है, सुनते जाए। हाँ भाई 10th 12th और ग्रेजुएशन, 10th और 12th के मार्क्स काउंट होते हैं, ग्रेजुएशन नंबर कई कॉलेजेस निकालते हैं। मेरा एडवाइस टू ऑल द पीपल आर सिटिंग इन साइड कॉलेज, अपने ग्रेड पे थोड़ा ध्यान दे दो। जो तुम एक हफ्ता पढ़ते हो ना बैठ के, लास्ट में एक हफ्ता नहीं पढ़ते, लास्ट दिन पे बैठ के जो नोट्स लेके आता है बेटा, एक हफ्ता पढ़ लो उसकी जगह, तो तेरा 60% आने वाला है वो 70 हो जाएगा। क्या अभी काम आएगा? मे बी अभी काम नहीं होगा, बाद में तुम्हें अगर हार्वर्ड स्टैनफर्ड ऑक्सफर्ड अप्लाई करना होगा, जैसे मैंने किया था, एंड आई वेंट टू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एज वेल फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, तेरे सारे नंबर तेरे को पूछेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए ये तो भाई कर ले, भी कॉलेज में पढ़ ले। जो लोगों का वर्क एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन हो चुकी है, कुछ नहीं कर सकते, भूल जाओ अभी, है ना भाई, गड़े मुर्दे उखाड़ने का कुछ फायदा नहीं, भूल जाओ उसको। तो 10th 12th के नंबर जिनके हाथ में, ग्रेजुएशन पे ध्यान दीजिए। कॉलेज के अंदर जो लोग हैं ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। कैट प्रिपरेशन, गोल्डन चेयर पे बैठना है तो ये सब चीज़ें बाद में आएंगी। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, POR, ये क्या होता है? ये टेक्निकल टर्म्स है, ये आपको बाद में बतानी चाहिए, जब तुम IIM पहुंचोगे, जब तुम SPGN बॉम्बे पहुंचोगे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है अभी सुन रहे हो POR's, ठीक है? कि लोग नहीं पहुंचेंगे फिर भी काम आएगा। कॉलेज के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए, जितने भी क्लब्स हैं। हाँ भाई एडमिन पोल करते जाओ भाई, और ऊपर ये पिन कर दो कमेंट। हाँ भाई एक्टिविटीज, क्लब्स, जितने भी क्लब्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करो, एनजीओ के अंदर काम करो। आई एम अहमदाबाद लव एनजीओ, कोविड के टाइम पे अहमदाबाद ने बहुत काम किया था, इनफैक्ट वी पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स ऑफ आई एम अहमदाबाद एंड वी रेज नियरली 1.5 लाख रुपीज फॉर कोविड के टाइम पे। हाँ बहुत SPGN बॉम्बे एनजीओ को बहुत भाव देता है। फाइंड एनजीओ एंड ब्लडी असाइन योरसेल्फ विद देम। तुम सेल्फिश मोटिव के लिए करो, अरे क्या भला करना है, तुम सेल्फिश मोटिव के लिए करो, अपने आप सुधर जाओगे। बीइंग ऑनेस्ट, मैंने ही बड़े सेल्फिश मोटिव के लिए खुद का एक प्रोजेक्ट था SPGN बॉम्बे का, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसमें काम शुरू किया, एंड मेरे जैसा आदमी कौन एनजीओ में काम करेगा यार, चिल करो लाइफ के अंदर, तो मैंने वैसे ही शुरू किया, एंड दैट बिकेम ए फुल फ्लेज्ड एनजीओ। आज नियरली 12-13 साल हो गए हैं, एंड अगर आप कैट किंग के कभी ऑफिस में आओगे अंधेरी में, आपको एक डेफ आदमी मिलेगा जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, हमारे हर सेंटर के अंदर। एंड इट्स बिन 10 ईयर्स आई एम रनिंग दैट फुल फ्लेज्ड। इनफैक्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला था प्रणब मुखर्जी साहब से, अवार्ड नहीं था, इट वॉज अ फैसिलिटेशन। तो जेन्युइनली जो मैं ऐसी फेक करने के लिए कि यार सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो काम किया था कॉलेज की तरफ से, दैट बिकेम द फुल फ्लेज्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यू गॉट बी चेंजिंग योर सेल्फ, समझ आ रहा है? आगे देखते हैं भाई। हैबिट ऑफ रीडिंग, ये मेरी एक पूरी स्लाइड है। अगर तुम्हारी रीडिंग हैबिट नहीं है, कैट तो छोड़ो भाई, कल को किसी कंपनी के अंदर जाना है तुम्हें सिलेक्शन नहीं होगी, कल तुम्हें GD के अंदर बैठना है तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, समझ आ रहा है? जिनको ये बातें समझ नहीं आती, फिल बी माई ओन सन, इफ बी माई ओन सन आई विल टेल यू, अगर कॉलेज के अंदर है चुप करके बैठ के एक ना एक एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर, चाहे GRE ले ले, चाहे वो GMAT ले ले, हाँ जिसकी मर्जी, हाँ किसी मर्जी, ठीक है। सर 2024 वीडियो वैन, अबे नालायक, 2024 का वीडियो चल रहा है, 23 का वीडियो नहीं चल रहा है, हे भगवान, ठीक है। हैबिट ऑफ रीडिंग डालनी बहुत जरूरी है, वोकैबुलरी पढ़नी बहुत जरूरी है। वर्क एक्सपीरियंस, हाँ भी कौन कौन वर्क एक्सपीरियंस है, जस्ट टाइप इन वर्क वर्क वर्क, एडमिन पोल लगा दो, कॉलेज प्लस वर्क एक्सपीरियंस, पोल के अंदर ही आंसर करेंगे, दिन का 1.5-2 घंटा प्लान दे सकते हो तो लाइफ इज गोइंग बी गुड। 65-70% जनता सिटिंग इनसाइड ऑल द IIMs आर वर्क एक्सपीरियंस जनता, 25-35% जनता सिटिंग इनसाइड ऑल द IIMs आर ऑल मतलब ऑल अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, इंदौर, लखनऊ, अहमदाबाद ऑफ द वर्ल्ड आर फ्रेशर्स। तो आज के बाद रोना नहीं है, फ्रेशर कंपीट विद फ्रेशर, वर्क एक्सपीरियंस कंपीट विद वर्क एक्सपीरियंस, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो बेटा डरने का नहीं है, तो फ्रेशर है, बट ये सब चीजें करनी है, फ्रेशर जनता, ऑल गुड। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, CAT 2023 पढ़ना शुरू कर दीजिए, समय कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, इफ यस डू इट ऑन द लाइक बटन, आई एम गोइंग टू बी देयर विद यू टिल द एंड। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स, जिनको रिप्लाई नहीं कर पाया नीचे कमेंट करेगा, होप द वीडियो वाज हेल्पफुल, स्टे ग्लूड एंड कीप वर्किंग ऑन।